आ गई आ गई आ गई आपकी प्यारी इलेक्ट्रिक कार। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिक कार के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि आप इस कार को खरीद लीजिएगा, आप इसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जानिएगा, इसके ऑल स्पेसिफिकेशन को जानिएगा और इसकी प्राइस को जानिएगा। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि आपको ये इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए या नहीं, क्या बिना पेट्रोल से चलेगी या नहीं। इसके बारे में आपको आज और स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, क्या रहेगी इसकी प्राइस, लोडिंग कैपेसिटी क्या रहेगी, टॉप स्पीड क्या रहेगी, चार्जिंग होने में इसको कितना टाइम लगेगा और ऑल अदर स्पेसिफिकेशन में आपको बताने वाला हूं। और ये मिलेगी कहां पर, इसके बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके बारे में लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ITO और पेट्रोल के बारे में। इसके साथ आपको कोई भी लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। रजिस्ट्रेशन की बात आई तो आपको इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, ना ही आपको ITO करवाना होगा और ना ही इसमें आपको कोई भी पेट्रोल डलवाना होगा। आप इसको सिर्फ चार्जिंग करोगे और चला पाओगे। अब बात करना चाहूँ इस इलेक्ट्रिक कार के प्राइस को लेकर, तो इसकी प्राइस रखी गई है 1,17,497 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही लाजवाबी। इतनी कम प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक कार नहीं मिल पाएगी। बात करना चाहूँ नेट वेट की, तो इस गाड़ी का वेट है 300 kg। अब मैं आपको बताना चाहूँ मोटर टाइप के बारे में, तो आपको इसके साथ देखने को मिलेगा 1200 वोल्ट का मोटर, जो कि साइन वेव गियर मोटर देखने को मिलेगा आपको। अब बताना चाहूँ आपको इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में, तो ब्रेकिंग सिस्टम की 4-व्हील डिस्क ब्रेक आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। लोडिंग कैपेसिटी की मैं बात करना चाहूँ तो इसके साथ आपको 300 kg लोडिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में 3 से 4 क्विंटल लोडिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है, वहीं पर आपको इलेक्ट्रिक कार दे रही है 300 kg लोडिंग कैपेसिटी। बात करना चाहूँ टॉप स्पीड या मैक्सिमम स्पीड की, इसको देखना कौन पसंद नहीं करता है, तो दोस्तों यह आपको चलेगी 40 km/h के सबसे टॉप स्पीड, जो कि मेरे हिसाब से यह बहुत ही लाजवाब है। बात करना चाहूँ चार्जिंग टाइम के बारे में, आपकी इलेक्ट्रिक कार कितने देर में कंप्लीट चार्जिंग हो जाएगी, तो यह 6 से 8 आवर्स या कहूँ 6 घंटे से लगा के 8 घंटे के अंदर कंप्लीटली चार्जिंग हो जाएगी। बात करना चाहूँ रेंज की, एक बार जब ये चार्जिंग हो जाएगी तो कितने किलोमीटर तक का सफ़र तय करेगी, तो दोस्तों ये 80 से लगा के 100 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही लाजवाब है। बात करना चाहूँ कलर की, तो आपको ये 3 से 4 कलर में आराम से मिल जाएगी। बात करना चाहूँ पैसेंजर की, तो आप इसमें 4 पैसेंजर आप आराम से कम्प्लीटली बैठ सकते हो। बताना चाहूँ आपको इस कार के बारे में, तो इस कार का प्रोडक्शन कब किया गया है, तो इसका प्रोडक्शन 2018 में किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन। अब मैं आपको बताना चाहूँ ये मिलेगी कहाँ। Alibaba.com वेबसाइट का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। Alibaba वेबसाइट एक पॉपुलर वेबसाइट है, आपको वहाँ पर हर तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं और वो भी बहुत ही सस्ते दाम में, तो यह प्रोडक्ट आपको वहीं पर मिलेगा। आप सबसे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप उस पर क्लिक करोगे आप Alibaba की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। आप वहाँ पर इसके आज स्पेसिफिकेशन देखिएगा, आप वहाँ पर उनसे बात करिएगा, उसके बाद यदि आपको पसंद आती है या उनसे बात करने के बाद आपका डील कंप्लीट होती है तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसके अलावा यदि कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, बाय बाय।